हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एलडीसी और ग्रुप डी की फॉर्म अप्लाई किए थे, वो सभी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी की एग्ज़ाम नोटिस कब जारी होगी। दोस्तों, यह सवाल सबसे मन में कैंडिडेट्स के मन में बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबा समय हो चुका है पर राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी की एग्ज़ाम की नोटिस की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा नहीं बताई गई है। कैंडिडेट्स के मन में यह एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या 2021 के अंदर यहाँ पर ग्रुप डी और एलडीसी की भर्ती को पूरा कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, यह सवाल यहाँ पर हजारों लाखों उम्मीदवारों के मन में उठ रहा है, क्योंकि दोस्तों रिक्वायरमेंट बोर्ड ने इस भर्ती को निकाल कर जैसे वो लग रहा है भूल ही गया है और वो 2021 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो एग्ज़ाम है उसे यहाँ पर नहीं कराएगा। यहाँ पर यह 100% गारंटेड सियोर्ड हो गया। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ प्रूफ के साथ बताऊँगा। रिक्वायरमेंट बोर्ड ने इस भर्ती को निकाला और उम्मीदवारों को इस आशय में एलडीसी और ग्रुप डी के अंदर पोस्ट देंगे, पर वो इस भर्तियों को निकाल कर पूरी तरह से भूल चुका है। इसलिए दोस्तों भूल चुका है वो, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि उम्मीदवार जो है ग्रुप डी और एलडीसी की एग्ज़ाम 2021 के अंदर दे। दोस्तों, अब उम्मीदवारों को 2022 के अंदर इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी भर्तियों को पूरा करने को लेकर, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर। दोस्तों, उन भर्तियों को पूरा कराया जा रहा है जो भर्तियाँ इससे पहले आई थी। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ग्रुप डी की भर्ती को पूरा होना चाहिए था, फिर उसके बाद एलडीसी को पूरा होना चाहिए था, फिर उसके बाद स्टेनो को पूरा होना चाहिए था। तो पर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले स्टेनो को पूरा किया जाए, उसके बाद एलडीसी को किया जाएगा, फिर उसके बाद ग्रुप डी को किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो भर्तियाँ पहले आई थी उन्हें पीछे किया जा रहा है और जो भर्तियाँ पीछे आई थी उन्हें यहाँ पर पहले किया जा रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर यह राजस्थान हाईकोर्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ने कन्फर्म कर दिया कि ग्रुप डी और एलडीसी के विद्यार्थियों को अभी यहाँ पर कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /एस सेट जो चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की अपडेट सबसे पहले आपको वहाँ पर भी अवेलेबल होती रहेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप गूगल में सर्च करके डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और दोस्तों यहाँ पर सर्च बॉक्स में जैसे ही आप यहाँ पर सिविल लिखेंगे आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन आएंगे यहाँ पर, जो देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक नोटिस पब्लिश किया गया है 6/10/2021 को, जो यहाँ पर कल पब्लिश किया गया है लगभग देर रात को। यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसके यहाँ पर पीडीएफ फाइल में ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर नोटिस निकल कर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो भर्ती है यहाँ पर RJS, यहाँ पर सिविल जज की जो है यहाँ पर जो है एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर यह नोटिस देख सकते हैं, यह जो एडवर्टाइजिंग थी यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही जो इसकी एग्ज़ाम होनी है यहाँ पर सिविल जज, यहाँ पर 2021 सेल बी हेल्ड 28/11/2021 संडे। यानी कि दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उसकी नोटिफिकेशन 1-1.5 महीने पहले ही जारी कर दी जाती है। तो यानी कि दोस्तों अक्टूबर के यहाँ पर 5 या 6 दिन पहले, अक्टूबर के 5-6 तारीख को इस भर्ती को जारी कर दिया गया कि इसकी एग्ज़ाम है यहाँ पर RJS की जो है सिविल जज की जो एग्ज़ाम है वो 28/11/2021 को संडे के दिन यहाँ पर जो है कराया जाएगा, यानी कि आखिरी नवंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर अब किसी भी तरह से नहीं है कि राजस्थान जो है हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी और एलडीसी की एग्ज़ाम दिसंबर में लेगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट की जो भी भर्तियां होती है उसे निकालने से लेकर उसकी पूरे प्रक्रिया तक कोई भी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाती है। तो दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट की जितनी भी एग्ज़ाम थी ग्रुप डी और एलडीसी की, उन सभी एग्ज़ाम को अब जो है यहाँ पर होल्ड किया गया और उनकी एग्ज़ाम को 2022 के अंदर ही अब कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों यह भी उम्मीदवारों को एक समस्या है कि कौन सी एग्ज़ाम पहले होगी, एलडीसी की होगी या ग्रुप डी होगी। जिस तरह से दोस्तों अभी तक एग्ज़ाम हुई उसके पैसे उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एलडीसी की एग्ज़ाम कराई जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पर ग्रुप डी की एग्ज़ाम कराएगी, जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड की जो पैटर्न चल रही है उसके अनुसार। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट थी कि जो कैंडिडेट आस लगाए बैठे थे कि नवंबर और दिसंबर के अंदर उनकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, पर दोस्तों अब वो भी आशा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको खुद अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरे तरह से संभावना है कि राजस्थान हाईकोर्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा एलडीसी और ग्रुप डी की जो भर्ती है उसे यहाँ पर जो है फाइनली निकाला जाएगा यहाँ पर नवंबर में, और दिसंबर में आपको एग्ज़ाम कराई जाएगी।
दोस्तों, पर यहाँ पर ऐसा उल्टा हो गया। यहाँ पर जो है RJS भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई उसकी एग्ज़ाम हेल्ड की, और उसकी एग्ज़ाम जो है 28/11/2021 को हो गई। पर दोस्तों अब यहाँ पर आपको थोड़ा और बेसब्री से इंतज़ार करना होगा और अपनी मेहनत को कड़ी करनी होगी, क्योंकि दोस्तों जैसे ही इस भर्ती को निकले, इस भर्ती में आपकी 100% ज्वाइनिंग होने की पूरी सक्सेस बने। यहाँ पर दोस्तों अभी तक तो यही अपडेट आ रही थी निकल कर, अब अगर हमारे पास और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट को लेकर, या हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड से कॉल पर अगर इसके अकॉर्डिंग कुछ भी बात होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल studyzone/SGZ से जुड़ जाएँ, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ भी मिलते रहेगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।